14 या 15 टेम्परेचर है तो बारिश में भीगना सही आइडिया नहीं है। फ्राई करेंगे बटर में और अपना शाही पनीर तैयार। इसके अंदर हमने अपना पनीर भी डाल दिया। अब क्या मसला है कि इसको बड़े प्यार से चलाना है कि पनीर टूटे नहीं। तो दोस्तों अपनी कैमरामैन घर पे आ चुकी हैं तो इसलिए हमने उनको फ़ोन पकड़ा दिया। शाही पनीर के अंदर क्रीम डालना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। पीछे क्या ऊपर से शायद दिखे या ना दिखे, कैमरे में पता नहीं चलता, लेकिन बारिश हो रही है, कपड़ों पे दिख रही होगी। तो गाइज़ यार अभी तो फ़िलहाल बारिश में कहीं नहीं जा सकते, लेकिन मैं ना आज कुछ बात करने वाला हूँ आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सबको पता है मैं कनाडा में हूँ और काफ़ी दिनों से यहाँ पर हूँ। यहाँ पे काम करने के लिए आपको सिन नंबर चाहिए होता है, तो गाइज़ वो सिन नंबर मुझे नहीं मिल रहा। मैंने आपको बताया था ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है और ये किसी के साथ भी हो सकती है। अभी इन लोगों ने क्या किया, बहुत दिन हो गए इसको करते हुए, कभी मैं IRCC को कॉल कर रहा हूँ और कभी मैं बॉर्डर जा रहा हूँ और कभी मैं वैंकूवर एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कभी मैं कनाडा सर्विस जा रहा हूँ। भाई मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मैं जा चुका जहाँ पे भी ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती थी, बट अभी तक हुई नहीं। तो अब आपको मैं एक अपडेट देता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अभी मेरे पास IRCC का कॉल आया और उन्होंने बोला कि भाई जो ये प्रॉब्लम है ये टेक्निकल ग्लिच है जो ठीक नहीं हो पा रहा, ठीक है, मतलब इसमें वक्त लगेगा प्रोसेसिंग में। और तो मैंने उनको बोला भाई मैं इतने दिनों से यहाँ पे हूँ, एक छोटी सी चीज़ को आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया कि यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट अगेन। मतलब जो वर्क परमिट मेरे को 5-6 महीने में इंडिया से मिला, वो कह रहे हैं कि आप दोबारा से उसके लिए अप्लाई कर लो, ठीक है, आप एक नया वर्क परमिट ले लो। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने जो अभी करंट है उसको मतलब एक दूसरी कॉपी के लिए भी करते हैं ना, तब भी आपका जो इशू है वो ठीक नहीं होगा। अभी यार मैंने तो इंडिया में उनको अच्छे खासे पैसे दिए ना, उनको कितनी फ़ीस दी, एक $100 की फ़ीस दी, एक $150 की फ़ीस दी, मतलब $250 मैंने उनको दिए। और उसके बाद मैं उनसे ये सुन रहा हूँ कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हम ठीक नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप वेट करो। फिर मैंने सिम नंबर के लिए कैनेडा सर्विस को कॉल किया कि भाई जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ और मेरी फ़ाइल ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है, आई हैव वैलिड वर्क परमिट, तो क्या मैं काम कर सकता हूँ उसमें। तो भाई बोल रहे हैं काम तो कर सकते हो लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे तब मिलेंगे जब तुम्हारा सिन नंबर आ जाएगा, जो एम्प्लॉयर है वो तुम्हारी सैलरी को होल्ड कर लेगा। अरे भाई फ्री में मैं काम करने थोड़ी ना आया हूँ यहाँ पे, जो मैं फ्री में काम करूँगा सैलरी को होल्ड कराऊँगा जब मेरा सिन नंबर आएगा और उसके बाद। और IRCC कह रहा है कि नया वर्क परमिट अप्लाई करो, तो भाई मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया इन लोगों की वजह से। तो यार ये लोग इतने ज़्यादा ढील हैं, तो मैं यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो बी स्ट्रॉन्ग, अगर आप कनाडा आ रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो हर तरीके की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम बड़ी रेयर है, कम ही लोगों के साथ होती है, आपके साथ हुई है, भाई अल्लाह ना करे किसी और के साथ भी हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, तो आप कनाडा आ रहे हैं ना भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। और ये अपना मौसम है, बारिश देखो आप, ये अब दिखेगी बारिश, अब 0.5 था ना, अब 1 हो गया, 1 में क्वालिटी अच्छी आती है। तो हम यहाँ से नहीं जा सकते बाहर, तो एक काम करते हैं आज करते हैं कुकिंग डे। तो हमारे पास रखा हुआ है पनीर, तो पनीर बनाते हैं आज, ठीक है। और पनीर कैसे बनाऊं, रेसिपी सर्च करता हूँ कोई बढ़िया सी और उसको आजमाते हैं आज। शाही पनीर की रेसिपी देखता हूँ, शाही पनीर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, शाही पनीर की प्रॉपर ग्रेवी के साथ। तो आज बनाएंगे लेकिन हेल्प लेके, ठीक है, इंटरनेट की मदद से, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल रहे, उसमें परफेक्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं फ्री टाइम में कुकिंग सीख सकता हूँ, कुकिंग इज़ अ गुड स्किल। तो वही करते हैं, ट्राई करते हैं शाही पनीर बनाने का, ठीक है। तो बारिश अभी तेज़ हो गई है तो अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई ठंड हो रही है, 14 या 15 टेम्परेचर है, तो बारिश में भीगना सही आइडिया नहीं है। अंदर चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। तो भाई दोपहर से रात हो गई बारिश होते होते और ये बारिश अभी तक बंद नहीं हुई, पता नहीं इसमें वीडियो में दिखेगी या नहीं, बारिश हो रही है, ये देखो पूरा, अब दिखेगी शायद। तो भाई बारिश तो बंद नहीं हुई इसलिए हम कहीं जा भी नहीं पाए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कपड़े धोने का भी नहीं बचा। मैंने सोचा था चलो आज कपड़े धो लेते हैं, तो अब बनाते हैं खाना, जितना भी अपने पास सामान है उसका इस्तेमाल करके शाही पनीर बनाने की कोशिश करते हैं।
आओ चलते हैं बनाते हैं। अपनी मेकिंग ऑफ शाही पनीर स्टार्ट हो चुकी है। प्याज और ये क्या बोलते हैं टमाटर को हमने काट के यहाँ डाल लिया, पनीर अपना यहाँ रखा हुआ है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर हम सारी चीजें डाल चुके हैं, टमाटर वमाटर, प्याज, इलायची, एक हरी मिर्च, एक चम्मच मक्खन, थोड़े बहुत काजू, और इसके साथ हमने मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया। अब इसमें ऐड करना है पानी। ठीक है, पानी थोड़ा कम रह गया, थोड़ा और बढ़ा के फिर इसको ढक देना है 20 मिनट के लिए। तो इसको अब ये पानी डाल के ढक देते हैं। तो देखते हैं भाई इसकी क्या हालत हो गई है 20 मिनट में। यह तो ये बढ़िया हो गया 20 मिनट में, तो गला गला सा लग रहा है मेरे को। एक बार इसको चला के देखते हैं, गला गला हो गया है। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, ये हमने इसको बंद कर दिया। अब इसका इंतज़ार करना है ठंडा होने का, फिर इसको एक बार मिक्सर के अंदर घुमा के इसको पूरा एकदम जूस बना देना है, इसका पतला पतला कर देना, फिर स्टार्ट होगा पनीर का प्रोसेस। तो इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा नहीं है, छू सकता हूँ, देखो छू रहा हूँ। तो अभी इसमें डाल के फिर इसको पूरा घुमा देंगे, घूम 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 घूम, इसका बन जाएगा पेस्ट। फिर अपना जो हमने यहाँ पे काट के रखा हुआ है पनीर फ्राई करेंगे बटर में, और अपना शाही पनीर तैयार। किसी भाई को अगर काजू शेक पीना है, ये इसके अंदर डल गया है, तो बता सकता है, उसके यहाँ पे मैं भिजवा दूंगा काजू शेक। जो प्लग है ये लेके मैं आया था इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे अपने यहाँ गोल वाले नहीं लगते, और ये वाली जो मशीन थी मैं इंडिया से लेके आया था, तो इसके लिए ये प्लग लगाना होता है। तो अब इसको इसमें लगाएंगे, तब ये जाके यहाँ पे फिट होगा। तो पहले इसको लगाते हैं इसके अंदर, फिर इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे अपना काजू शेक, मैंगो शेक ज्यादा लग रहा है, ये देखो मारिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से आई है। हाय मारिया, हाय अमेंदला। तो इसमें फिलहाल आपको बता दूं कि इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1 हरी मिर्च और उसके साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसके अंदर हम पनीर को भूनेंगे। इसके अंदर हमने अपना पनीर भी डाल दिया। अब क्या मसला है कि इसको बड़े प्यार से चलाना है कि पनीर टूटे नहीं, और इसको अच्छे से इसके अंदर चारों तरफ से भून लेना है। मतलब जो हमने मक्खन डाला है ना, ये इसके अंदर एकदम बढ़िया से कम आंच में इसको भूनना है। तो इसलिए इसको आराम आराम से प्यार प्यार से चला के इसके अंदर भून लो। तो दोस्तों अपनी कैमरामैन घर पे आ चुकी हैं, तो इसलिए हमने उनको फ़ोन पकड़ा दिया, इसीलिए वो रिकॉर्ड कर पा रही हैं एक्चुअल में भाई कैसे बना रहा है। देखो पास से ला के दिखाओ कैमरामैन। तो ये देखो आप, ये थोड़ा थोड़ा इसका कलर होने लगा है ब्राउन। तो यहाँ का पनीर है ना भाई, अपने इंडिया के पनीर से काफ़ी हार्ड है। इसको अगर मैं चला भी रहा हूँ ना तेज़ भी, तो ये टूट नहीं रहा है। जैसे अगर इंडिया का होता तो बिखर जाता है इतने चलाने पे इस तरीके से। तो ये जो अब हमने ग्रेवी बनाई है इसकी, इसको इसमें डालते हैं। वैसे ग्रेवी ना बाद में भी खाई जा सकती है, और इसमें पनीर हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने बना दिया पूरा कढ़ाई भर के शाही पनीर, ये देखो। नहीं रुकने वाली, लेकिन हमें बाहर जाना है, खुल जा सिम। हमारे पास ना क्रीम नहीं है, और शाही पनीर के अंदर क्रीम डालना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं जा रहा हूँ एक बार सामने चेक करने के लिए कि क्रीम मिलेगी या नहीं। भाई यहाँ तो रोड पे पानी भी भर गया, ये देखो क्या बारिश हो रही है, बढ़िया पानी भर गया। मुझे नहीं लग रहा सब्ज़ी मंडी खुली हुई है भाई, यहीं से दिख रही है बंद, ये देखो आप लोग भी। अरे यार, तो भैया अपना हो गया मोए मोए, तो आप ये बारिश देख लो यहाँ से। मैं जा रहा हूँ वापस घर पे अंदर। तो ये अपना शाही पनीर प्लेट में आ गया, और हमने थोड़ा थोड़ा ट्राई भी कर लिया, ठीक बना है। बस वो थोड़ी सी क्रीम की कमी रह गई, क्रीम और डल जाती तो और बेहतर होता। खाने के बाद की आइसक्रीम, और पीछे चल रही है अपनी एडिटिंग व्लॉग की जो आने वाली है। यहाँ पर हमें आज मिला है देखो चाय में व्हिप क्रीम डल के, पता नहीं अब इसका टेस्ट कैसा होगा, ट्राई करते हैं। और यहाँ पर अपनी व्लॉग रेडी हो चुकी है, एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट पे अभी मैंने क्लिक नहीं करा, रुको आप ही के सामने कर देता हूँ एक्सपोर्ट पे क्लिक। तो आपको ये दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ये बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं, रात में पूरा एकदम आसमान एकदम साफ दिख रहा है। और यही नहीं, अभी यहाँ पे चांद दिखाता हूँ आपको, चांद भी यहाँ पे बड़ा ठीक लग रहा है इस टाइम पर, ये देखो भाई। लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा शायद, लेकिन हाँ दिख काफ़ी बढ़िया रहा है यहाँ पे, यही दिखाना था आपको। तो गाइज आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।